अबे कछला वो अंडा क्यों लग रहा है? अबे तुझे पता है क्या? तेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अबे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। ऑलराइट गाइस, तो अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच 20 मिलियन के लिए। इट्स योर बॉय चिकना ट्रिगू, जो 20 मिलियन की खुशी में इतना पागल हो गया कि पूरा क्लीन शेव हो गया एंड अब बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। खैर, मैंने सोचा कि एक Q&A करते हैं, 20 मिलियन स्पेशल Q&A, एंड मैंने तुम लोगों को बोला कि कुछ वीडियोस वगैरह सेंड करो मुझे, एंड काफी सारे लोगों ने वीडियो सेंड करी और मैं खुद भी गया थोड़े और वियर्ड क्वेश्चंस ढूंढने, एंड तब भी मुझे हंच ऐप मिला जहां लोगों ने एक से बढ़कर एक वियर्ड क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, वो भी एनोनिमसली, और उस पे हजारों लोगों ने आंसर भी दिए हैं। तो मैंने भी अपना अकाउंट बना लिया और अभी देखते हैं व्हाट इज माय जवाब। लेट्स गो। वुड यू कडल विद योर फ्रेंड ऑफ द सेम जेंडर? मैं अपने दोस्त को इसके साथ कडल करूंगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता इसमें। अगर इस चीज के लिए पैसा मिलेगा तो पैसा 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 कहाँ है? हट, निकल निकल यहाँ से, निकल। नो मम्मी। कैसे हो भाई, बाकी सब ठीक? बढ़िया है भाई, और बाकी सब भी ठीक है भाई। पर तू इतना चिकना क्यों लग रहा है भाई? भाई गलती हो गई भाई। और बता भाई, हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई? अपनी ट्रिगर्ड आर्मी यहाँ भी पहुंची हुई है। बिग बॉस के बाद आपकी और फुकरा भाई की जिंदगी में क्या चेंज आया है? बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और व्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और मेरी वीडियो जो मैंने अभिषेक के साथ बनाई थी वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे है। और इसकी जिंदगी में क्या चेंज आया है वो इसी से पूछ लेते हैं। भाई साहब, तो आपकी जिंदगी में बिग बॉस के बाद क्या बदलाव आया है? बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत ज्यादा सपोर्ट। मतलब वीडियो डालो, हर वीडियो ट्रेंडिंग पे। अभी वीडियो डाली वो नंबर 2 इंडिया ट्रेंडिंग। तू ट्रेंडिंग पे है, वो भी नंबर 2? Yes. क्या बात है भाई, को सेकंड आने की इतनी आदत पड़ गई है कि ट्रेंडिंग पेज पे भी नंबर 2 पे है यार। तो हाँ गाइस, यही चेंज है हमारी जिंदगी। साले वन भी मैं ही हूँ तेरे साथ। ट्रिगर्ड इंसान शादी कब करेंगे? लिटरली हर दूसरे बंदे ने बस यही क्वेश्चन पूछा है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हो? तो ऑप्शंस है सल्लू भाई के बाद या फिर दिसंबर में, बस साल नहीं पता कौन सा। यू नो, एक बार मेरी बचपन में शादी हो चुकी है वैसे। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अब तू मारी मारी। अरे नहीं करनी भाई मुझे। मेरी बीवी तो मुझे धोखा देके दूसरी शादी कर गई, बट मैं जरूर फिर से शादी करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन सल्लू भाई के बाद नहीं, क्योंकि सल्लू भाई तो शायद कभी शादी करने ही नहीं वाले, बट मैं करना चाहता हूं। तो आई थिंक आंसर इज दिसंबर में शादी करूंगा मैं, साल नहीं पता कौन सा, 2020-- में कुछ भी भर देंगे। Should men wax their body part? I think इसका जवाब उसको देना चाहिए जिसको एक्चुअली जरूरत पड़ती है वैक्स करने की, क्योंकि मेरे तो आते ही नहीं है छाती पे बाल, पर भाई के रस्सी कट रखे हैं बेटे। भाई ने एक्चुअली कर रखी है गाइस वैक्स, तो लड़कों को करनी चाहिए वैक्स अपनी बॉडी पार्ट। हाँ, उनकी मर्जी है, लड़के कुछ भी कर सकते हैं, जैसे लड़कियां कुछ भी कर सकती है ऐसे लड़के कुछ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक द आंसर इज यस, यस दे शुड। अरे तूने चेस्ट कर ही रखी है, वैक्स पूरी दिखा दे। इसके लिए आपको 2 मिलियन लाइक्स देने पड़ेंगे भाई। सच में अगर 2 मिलियन लाइक्स दे दिए तो तू एक्चुअली में अपनी एब्स दिखाएगा, शर्टलेस बॉडी दिखा दूंगा। तू बहुत कम लाइक टारगेट दे रहा है, पिछली वीडियो पे 1 मिलियन 4 घंटे में हो गए थे। तो 3 मिलियन लाइक्स कर दो। 3 मिलियन कर दिए तो तू सच में दिखाएगा अपनी बेयर बॉडी, वैक्स्ड सेक्सी बॉडी दिख जाएगी सबको। ऑलराइट गाइस, नाउ यू नो व्हाई टू लाइक द वीडियो। ब्रो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? आंसर दे दो जल्दी। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसमें प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, एंड देन दे यूज द सनलाइट एंड वाटर टू कन्वर्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट लगाइए, अर्थ को बचाइए, और ऐसी कमाल की साइंस की जानकारी के लिए और एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए और बहुत ही अच्छी सोच के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो ट्रिगर्ड इंसान। आई लव यू एंड लव योर वीडियोस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ यू कुड चेंज द साउंड ऑफ फार्ट्स, व्हाट वुड यू पिक? चक दूं, टिंग टोंग, ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी।
अयो पानी की टंकी भर चुकी है तो पाद की आवाज आ रही है पानी की टंकी भर गई है तो पाद की आवाज आज से पानी की टंकी भर गई है कृपया मोटर बंद करें। क्या आपने मनीषा रानी से बात करी एंड आपको कैसा लगा? हम मनीषा से अभी तक तो बात नहीं करी है, लेकिन शायद अबू भाई हमारे एक्चुअली में अब मनीषा रानी से बात करवाने वाले हैं। भाई प्लीज करवा दे, भाई प्लीज करवा दे, हाथ पांव दबवा ले, नहीं भाई प्लीज करा दे, नहीं भाई प्लीज, नहीं भाई 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 पैर दबवा ले भाई, ठीक है करवा दू। तो अबू ने कॉल लगा दिया, मेरे तो नर्वसनेस हो रही है। एक सेकेंड मैं बात करूं, मैं बात करूं। हेलो हाय हाय मनीषा जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी एंड अभिषेक का और आपका जितना फ्रेंडशिप देखा घर में एब्सोल्युटली लव्ड इट। एंड बहुत सारे लोग ना वीडियोस पे कमेंट किए जा रहे हैं कि मनीषा मैम के साथ जो है लाफ्टर वाला चैलेंज बनाओ, लाफ्टर वाला चैलेंज बनाओ। मैंने कहा वो सब बाद में, मैं पहले आपको सिर्फ हेलो ही बोल दूं, वही बहुत होगा। और मैं एक साथ में बहुत ज्यादा बोलते जा रहा हूं, आप भी कंफ्यूजन में चले गए हो कि ये चुप क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपसे भी ज्यादा बोलता हूं टू बी ऑनेस्ट। एंड आई लव योर एक्सेंट एंड आई लव्ड यू इन द बिग बॉस हाउस एंड I love आप दोनों की फ्रेंडशिप एंड आई लव बिहार एंड आई लव द पीपल ऑफ बिहार एंड मेरा तो बिहार से अलग ही कनेक्ट है। एंड आप कुछ कहना चाहोगे? आप ये कहना चाहेंगे कि आप इतना आई लव कह रहे तो आई लव मत मत सी ना लास्ट के क्योंकि मेरे को नहीं हम अंदर से मुझे पता चला कि आपने मेरी बहुत तारीफ की और मेरी बहन लोग को बता रही थी कि निश्चय आपको बहुत पसंद करता है जो भी एज अ पर्सन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगा अभिषेक से भी सही है आप। अबे ओ मतलब वो भी अच्छा है बट तू ऐसा कर, हेलो तेरा ज्यादा हो रहा है अब तू पिटेगी, चोक स्लैम मिलेगा तेरे को, चोक स्लैम। चोक स्लैम क्या होता है? वो तो ये हां वो कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे से डरता है, उसे पूछिए। अरे मुखिया यार ये हमारी। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे को बताया आप बिजी हो, आप मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई, आपने जो मेरे पीछे मेरे इतना तारीफ किया मुझे अच्छा बोला उसके लिए थैंक यू, लव यू फॉर दैट। आप बहुत अच्छे और ऐसी मेरा तारीफ करते रहिए और आप लोग बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, ये ले अबू भाई से बात करा दी, बहुत अच्छा भाई 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 भैया मजे आ गए। तो हाँ गाइस, मैंने अब फाइनली मनीषा जी से बात कर ली है एंड मुझे वो बहुत बहुत मस्त लगी, जैसे वो शो में थी उतनी ही वो इंटरेस्टिंग है, तो आई तो लव्ड टॉकिंग टू हर, भाई मजा आ गया। हाँ तो भैया मेरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं ये मैं ये नहीं पूछूंगी कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बुड्ढा बीच में क्यों बोलता है? बुड्ढा बीच में बहुत बोलता है, यू नो व्हाट दिस इज द प्रॉब्लम विद आजकल की जनरेशन, दीस जेन ज़ी पीपल थिंक के बुड्ढा है तो वो इनके बीच में नहीं बोल सकता है। बुड्ढे की जिंदगी है, बुड्ढा बीच में बोले, बुड्ढा पहले बोले, बुड्ढा बाद में बोले, वो बुड्ढे की मर्जी है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बुड्ढा? तुम लोगों ने भी एक दिन एज करनी है, एक दिन तुम भी उस एज पे जाओगे जब लोग तुम्हें बुड्ढा 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 बोल के चढ़ाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। कॉल देम विद रिस्पेक्ट, कम से कम उन्हें एल्डरली बुजुर्ग बुड्ढा बोलो। नाउ लुक एट दिस एल्डरली बुजुर्ग बुड्ढा, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? आप क्या कर रहे हैं? मुझसे कुछ कहा? इस बुजुर्ग एल्डरली बुड्ढे को कुछ सुनाई नहीं देता है, तो ये बीच में क्या ही बोलेगा? अंकल जी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आप? हैं? ये वाला बुजुर्ग बुड्ढा सिर्फ है बोलता है। ये लेटर पढ़ना बेटा सुबह आया था। अंकल जी इसमें लिखा है आपका इवनिंग का लाफ्टर सेशन का टाइम हो गया, जाइए हंसिए। ओ हरिओम बोले। अब ये वाला बुड्ढा बीच में बिल्कुल नहीं बोलता है, बस हंसता है जोर जोर से। बुड्ढा बीच में बहुत बोल रहा है। क्या ट्रिगर्ड इंसान को ढिंचक पूजा पे क्रश है? Like seriously यार, मैंने हजार बार बोल दिया है कि मेरे को ढिंचक पूजा के साथ एसोसिएट करना बंद कर दो, फिर भी जिसे देखो आपका ढिंचक पूजा पे क्रश है, ढिंचक पूजा आपका क्रश है, ढिंचक पूजा आपका क्रश है। क्या आपको ढिंचक पूजा पे क्रश है? बंद करो मुझसे बार बार हर जगह ये क्वेश्चन पूछता है, क्या आपका ढिंचक पूजा क्रश है? अरे यार कितनी बार बताऊ है कितनी बार बताऊ? नहीं
बिल्कुल भी नहीं है। हेलो ट्रिनू भैया, आई हैव टू क्वेश्चन। फर्स्ट, क्या हम आपको बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट देख सकते हैं? क्या मैं बिग बॉस में जाऊंगा? मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, तो व्हाई नॉट? आई मीन व्हाई नॉट? अगर वो जेन्युइनली मुझे करोड़ों रुपए देंगे बिग बॉस में आने के लिए, तो आई मीन करोड़ों में तो मुझे भी खरीद लो यार। टू बी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग आई वुड थिंक। वैसे तो बिग बॉस वाले मुझे अप्रोच करने नहीं वाले, आई नो ये बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैल रही है कि बिग बॉस ने मुझे अप्रोच कर लिया ऑलरेडी, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो नहीं करा है, बट अगर वो करेंगे तो सोचना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर बिग बॉस वाले मुझे जेन्युइनली अप्रोच करेंगे, शुड आई गो? कमेंट्स में बताना मेरे को, लाइक मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है कि मैं जाऊँ अगर वो बुलाएंगे। मेरा नाम है संचारी, मैं हूँ संस्कारी, एंड मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी लाइफ अगर कोई गेम होती तो आप कौन सा चीट कोड यूज करते? तो संचारी जो है बहुत संस्कारी, मेरा नाम है मखदूमी जो देता है लोगों को बिना बात के चुमी। अगर मेरी लाइफ एक गेम होती तो वो GTA होती और उसमें चीट कोड होता चिक मैग्नेट। तो अपुन है जी प्रियल, और अपुन को आपसे आज एक सवाल पूछने का था। तो सवाल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए अगर आप कभी ऐसा, आपकी पूरी याददाश्त चली गई और आप गजनी की सस्ती कॉपी बन गए, तो आप अपनी लाइफ कैसे रीसेट करो? पता नहीं मुझे क्या बोलूं, इस पे एक्सपीरियंस नहीं है ना इसका। क्वेश्चन क्या था? अरे कैमरा मुंह पे क्यों रखा है मेरे? कौन है तू? ये कौन सी जगह है? ये लाइट क्यों जल रही है? ये पापड़ा यहाँ क्यों पड़ा है? अरे मैं कौन हूँ? क्या चल रहा है ये? बढ़िया है। क्या कर रहा था मैं? क्या क्या कर रहा था मैं? कुछ कर रहा था मैं भाई। ये DP में आप हो क्या? हाँ भाई, ये DP में मैं ही हूँ। हेलो भैया, सो बेटी पुष्पा हियर। सो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर आपको एक चॉइस दिया जाए कि आप या तो सिर्फ रोस्टिंग कर सकते हो या तो सिर्फ गेमिंग कर सकते हो, तो व्हाट वुड यू चूज? अगर गेमिंग और रोस्ट के बीच में चॉइस करनी ही पड़ती नेसेसरली, तो मैं गेमिंग करते करते रोस्ट कर लेता। मतलब अगर मेरे को एक चूज करना होता तो आई थिंक इस चैनल को मेरे को बंद करना पड़ता, बिकॉज गाइस रोस्टिंग के बिना तो मैं जी लूंगा, गेमिंग के बिना नहीं जी पाऊंगा। स्टार्ट भी गेमिंग से ही किया था, और गेम्स खेले बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता, मेरा खाना हजम नहीं होता, मुझे प्रेशर नहीं आता। काजू कतली का फेस रिवील प्लीज, और क्या कहते हैं, देख लिया, यही होता है। 10,000 वीडियो में से 9,999 ऐसी आती है मेरे पास। एनीवेज गाइस, वीडियो समाप्त। जाओ और डाउनलोड करो हंच ऐप, जहां पे आप अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से फन पोल्स करवा के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हो, चाहे वो फनी, वियर्ड, सिली, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। हंच आपको फ्रीडम देता है टू आस्क क्वेश्चंस एकदम एनोनिमस बनके, जिनका लोग जो है ऑनेस्टी के साथ जवाब देते हैं। एंड हंच ऐप पे आप फन पोल्स पे वोटिंग कर सकते हो, एंड कॉमेंट्स भी, अपने जैसे लोगों से चैटिंग करो सिर्फ हंच ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, क्लिक करो एंड डाउनलोड नाउ। दिस इज ट्रिगर्ड इन छन, बाय बाय। आई एम योर बिगेस्ट फैन ऑफ ऑल time. I follow you on Instagram. Please like Trigger Dinsan. He is my favorite YouTuber.